उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से समूचे प्रदेश के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार सुबह एक दरोगा का करंट लगने से आकस्मिक निधन हो गया। मृतक दरोगा की पहचान सुरेश पसबोला के रूप में हुई है। बताया गया है कि वे मूल रूप से पौड़ी जिले के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी तैनाती बतौर एएसआई उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाने में थी। उनके आकस्मिक निधन की खबर से जहां उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं समूचे उत्तराखंड पुलिस विभाग में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थाना पट्टी लंगूर क्षेत्र के नैड़ी गाँव निवासी सुरेश पसबोला उत्तराखंड पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थे। बताया गया है कि मंगलवार सुबह नहाने के बाद जैसे ही वे थाना परिसर में स्थित दीवार में कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे थे, इसी दौरान वह सोलर लाइट के पोल से दीवार पर फैले करंट की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे से वहां निवासरत उनके साथियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके आकस्मिक निधन पर उत्तराखंड पुलिस के तमाम अधिकारियों ने दुख जताते हुए मृतक दरोगा के परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि थाना पुलभट्टा में तैनात अपर उप निरीक्षक सुरेश पसबोला के आकस्मिक निधन पर संपूर्ण उधम सिंह नगर परिवार द्वारा उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।